आज हार गई, लेकिन उन्होंने 160 में सारी अल्टीम आउट कर दी, तो वेल एंड गुड मैच। मैं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत, अगर हमारे पास एक बाबर आजम है, उनके पास 10 बाबर आजम है सर। इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये तो ए क्लास टीम है ना, अगर बी क्लास टीम भी वो बना लेना, पाकिस्तान की जो ए टीम है उससे भी आ जाएगी। अब देखें शर्म की बात यार, वो सिंधु जो बोल रहे हैं उनका, वो मैं कहता हूँ उसने लाजवाब परफॉर्मेंस दिया यार, 5 विकेट ले गया वो। ऐसे उन्होंने एंड पे आके 20-25 स्कोर्स में 7-8 आउट उनके 9 आउट कर दिए हैं, लेकिन वो अनबिलीवेबल था, कोई उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़कर उन्होंने कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इंडिया लोगों को वो बात समझ नहीं आई कि गमो गुस्सा किस बात का, कि इंडिया में ये इनमें एक भी कैप प्लेयर नहीं है अनकैप टैलेंट का। अब आज क्या हुआ कि आज पाकिस्तान हारा तो इन्हें जीत नजर आई बांग्लादेश में, ये देखने लगे बांग्लादेश में जीत कि यार ये हमारे पापा हैं, ये इंडियन यंग गन्स को हरा देंगे। इस बांग्लादेशी टीम में भी कौन कौन नहीं था, तुम में से तो बहुत सारे गवारों को पता ही नहीं होगा कि जुआए कितनी क्रिकेट खेल चुका है बांग्लादेश से। सोमिया सरकार का तो शायद तुम लोगों को पता हो कि वो स्टार प्लेयर है बांग्लादेश का, स्टार जो इस टीम में मौजूद है, ठीक है। और इंडिया 211 रन पर पैक हो गया, हो जाना था इंडिया को 150 पे आउट, लेकिन जो उनका कप्तान है जिसे मैं हाईली रेट करता हूं, और कुछ इंडिया में भी होते हैं यहाँ जैसे चूतिए दो चार, वो हमेशा दो तीन लोगों की बात कर रहा हूँ भाई, आप शब्द की नहीं, कि यार यश दोल भी पर्ची है उसे कप्तान बना दिया, कप्तान अभिषेक होता। अबे अभिषेक शर्मा ने आज जो शॉट मारा ना, अगर मैं उसका कोच होता मैं उसे 2 साल तक क्रिकेट से ही बाहर कर देता। अबे साले तू 34 करके, लेकिन यश दोल कप्तान है, हारना नहीं आता उसको। फिर बांग्लादेश के ओपनर्स ने भाई 50 रन बना दिए बगैर किसी नुकसान के, तो बदतमीजियां हमसे हो रही हैं। आज तैयार रहो यंग इंडियन गन्स, ये नहीं देख रहे कि 322 के बाद श्रीलंका ने चेस के प्रेशर में यूएई में 262 कर दिया तुम पर, कितने रन से जीता है, मार मार के चूरन बना दिया तुम्हारा सालो। अच्छा लानत तो उन लोगों पे जो ये सोच रहे थे कि बांग्लादेश जीत गया। नहीं, आपने देखा कि निशान सिंधु की 5 विकेटें और मनफ की, मनफ सूतर की 3-4 विकेटें, चेक तो करो दोनों स्पिनर्स दोनों। अच्छा मैं आपको इधर ही आ जाए, जो पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए, गालियां दे रहे थे ये बांग्लादेश वाले, नागिन डांस कर रहे थे, फन कुचल दिया, कुचल क्या दिया, मसल दिया, हमेशा के लिए दोबारा निकलेगा भी। ये पाकिस्तान सामने आ रहा है उससे लटका जा रहे हैं, पहले पाकिस्तान को लटका दिया और अब जो है बांग्लादेश की सीनियर टीम को, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश ने भी सीनियर खिलाए हुए थे और उनको भी इंडिया ने लटका दिया है। 211 स्कोर बना के वापस 160 पे बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया और सेमीफाइनल में और फाइनल में जगह बना लिया। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने भी बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया और साथ पाकिस्तान ने भी जो श्रीलंका को शिकस्त दे दी है, यानी कि फाइनल जो संडे को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ए टीम्स के दरमियान खेला जाएगा और एक और बार बड़ा मुकाबला जो आपको देखने को मिलेगा। और ये यार इंडिया की टीम जहां पर ऐसा लग रहा था कि 150 बनाएगी, वहां पर इंडिया ने जो 211 स्कोर बना लिए और सारा क्रेडिट जाता है यहां पर इंडिया के कप्तान यश डोल को। क्या कमाल का खिला है यार ये लड़का, और इसकी ट्रेनिंग कहां पर की गई है मुझे कोई ये बता दे यार, कहां पर जो है बीसीसीआई नए लड़कों की ट्रेनिंग करता है कि आते साथ जो आप परफॉर्म करते हैं और हारा हुआ मैच जितवा देते हैं। ऐसा लगता है कहीं कहीं कि यार ये तो विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं, क्या कमाल का खेले यार। मुझे यकीन माने जब जो है इनके आउट नहीं हो रहे थे, ठीक है बांग्लादेश का जो है वो एक भी खिलाड़ी आउट नहीं था और 60 स्कोर था, तो मुझे जो है वो मैसेज आने लगे, धड़ाधड़ जो है मैसेज आने लगे, तुम जो है वो इंडिया की बहुत तारीफ कर रहे थे, इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, आज तुम्हारे इंडिया की ए टीम जो है बांग्लादेश की टीम से हारने लगी है, अब किस मुंह से आओगे यूट्यूब के ऊपर। लो आ गया, देख लो मेरा मुंह, इसी मुंह से उस दिन भी आया था, आज भी आया हूं। और क्या गलत बोला था भाई, कुछ गलत बोला था, यही बोला था कि भाई आपने सीनियर खिलाए 30-30 साल के जो आओ लोग, आपने जो आओ 19-19 सालों के बच्चों के सामने जो आओ खिलाया आपने और वो भी आपको शिकस्त देकर चले गए, आपके लिए शर्म का मुकाम है, ये बोला था, क्या गलत बोला था। और हकीकत बात है यही, आज बांग्लादेश ने भी यही किया हुआ था। सौम्य सरकार, ये बंदा कौन सा एमर्जिंग में आता है यार, सौम्य सरकार की बात कर रहा हूं मैं, बांग्लादेश की तरफ से इसको जो बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड किया जाता है और इसने जो बांग्लादेश की जनप से 16 टेस्ट, 61 ओडीआई मैचेस और 72 T20 मैचेस खेले हुए हैं। ओडीआई में 2 सेंचुरीज, टेस्ट में 1 सेंचुरी इसने बनाई हुई है और ये खेल रहा था, क्या हुआ खेल के तिगनी का नाश नचा दिया, 70 पे पहला विकेट गिरा, ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच इंडिया के हाथ से निकल जाए, लेकिन नहीं भाई, ये इंडिया की टीम है और ये किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन से जो है कम बैक करना जानती है। और क्या कमाल की जो बॉलिंग की है लड़कों ने यार, जो 3 विकेटें जो मानव ने ले ली है और निशांत सिंधु कमाल की बॉलिंग की है, 5 विकेटें और इंडिया के जो स्पिनर्स हैं भाई वो छाए रहते हैं। मैं कंफ्यूज सा हो गया हूं क्योंकि
दो घंटे पहले भी मैं लाइव आया था जब पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था और तलहा और मैं बैठे यही बात कर रहे थे कि इंडिया के साथ क्या हो गया, बांग्लादेश ने इंडिया को फेल दिया, इंडिया दोबारा से फाइनल सेमीफाइनल में चौक करने लग गया, अच्छी खासी टीम थी ये, इनके साथ क्या हो गया। इवन की आपका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि बांग्लादेश ने इंडिया को हरा देना है, बांग्लादेश पागल हो गई है। देखे जिस तरह इंडिया ने बैटिंग की है ना, 210 या 211 पे शायद ऑल आउट हुए हैं बिल्कुल। और मैं तब जब बांग्लादेश ने बैटिंग शुरू की पहले ओवर में देखा जो बड़ा पहला इन्होंने, उसके बाद मैं देख रहा हूँ मैच देख रहा हूँ स्कोर देख रहा था साथ साथ 65 पे कोई आउट नहीं, मैं 65 पे देखा था फिर 65 पे कोई आउट नहीं, मैं बड़ा हैरान, मैं कहा लो जी बांग्लादेश लगता जीत देगा, लेकिन उन्होंने जो आके चौक किया जो और ताश की तरह उनकी ये चीज मैं उस टाइम लाइव में भी कहके गया था कि तकरीबन 93 पे एक आउट था, उस पर तेजी से रन हो रहे थे, मैं ये बात लाइव में भी कहके गया था कि अगर इंडिया इस पोजीशन से जीत गया ना, क्योंकि इस मोमेंटम सारा बांग्लादेश के पास था, तो फिर इनकी बॉलिंग की तारीफ बनती है, बड़ी अच्छी इन्होंने बॉलिंग की और नो डाउट अच्छी की है कि 93 पे एक आउट है, उसके बाद आप देखो 160 के ऊपर ऑल टाइम आउट होगी। बिलीव भी फिर भी आपको देखना पड़ेगा बांग्लादेश को, ये क्या टीम है कि ये एकदम 50-60 के अंदर अंदर आउट होगा, सारी सती है ये इनको अपने इसके ऊपर।